थर्सडे। थैंक यू सो मच। आज जिस तरह से इतना वास्ट वे में आप लोग ने सेलिब्रेशन रखा, तो आप लोग ने देखा तो स्पोर्ट इवेंट वगैरह भी रखा था, तो डिटेली तो हमें जानेगा कि किस तरह से सेलिब्रेशन आप लोग ने कंप्लीट। ओके ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों को यहाँ पे हमारे इस डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन में आ देने के लिए, मीडिया सारे फ्रेंड्स को। मैं पहले अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं डॉक्टर मिंगम परतिन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ट्रिम्स में, पीएमआर डिपार्टमेंट में, और मैं जो हमारे आईएमए एपी का मैं न्यू टीम का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और इस डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन कमेटी का मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। तो सबसे पहले आप लोग और सभी हमारे डॉक्टर फ्रेटिनिटी सबको मैं डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। तो हमारा ये जो इस बार का जो ये जो 2023 का जो डॉक्टर्स डे है, जो 1 जुलाई का को मनाया जाता है, ये हमारे डॉक्टर बीसी रॉय है, तो उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उसके दिन को हम लोग उनको कमेमोरेट करके उनको उनकी याद में हम लोग उसको सारे जो देश जो है इंडिया जो है उसको हम लोग उसको डॉक्टर्स डे के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग ये हर साल मनाते हैं, हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्पेशली हम लोग इसको मनाते आए हैं, लेकिन इस बार हमारा जो एक कंसल्टेटिव मीटिंग एक हमारा हुआ, जो कि जिसमें हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन जो अबडा बोलते हैं, तो हम लोगों के बीच एक मीटिंग हुआ। तो इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसे एक साथ मनाएं, और ये जो अबडा में जो है ये एक जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स का जो सर्विंग डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, और ये आईएमए में है, जो कि इट्स लाइक सब है, इसमें सर्विंग डॉक्टर्स भी है और लाइक जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी है। तो इसमें जो आपदा जो है इसमें हमारे डेंटल के डेंटिस्ट के डॉक्टर्स भी है और आयुष के डॉक्टर्स भी है, तो इसीलिए हमने उसमें फिर जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन वो भी शामिल हो गए, और हमारे अरुणाचल जो जो आयुष डॉक्टर्स फोरम तो वो भी इसमें शामिल हो गए। तो ये जो हमारा जो ये जो इसका सेलिब्रेशन जो है ये 18 जून से हमने जो इसका जो शुरुआत किया, तो 18 जून को हम लोगों के जो डॉक्टर फ्रेटिनिटी जो भी इनके बीच में हमारा एक हर साल हमारा एक जो फुटसाल का एक मैच होता है, जो मेंस का जो फुटसाल का होता है, तो जो लास्ट ईयर शुरू हुआ, तो लास्ट ईयर के चैंपियन जो ड्रीम्स थे, तो इस बार तो जो हमारे हॉर्मिन निभा और जो हेमा हॉस्पिटल की जो टीम जो है वो लोग इस बार चैंपियन बने हैं, और रनर्स अप इस बार हमारे पीछेस के डॉक्टर्स बने हैं। उसी के साथ साथ में हमारा लेडीज़ का जो एक टग ऑफ वार वो भी हुआ, तो पीछेस के लेडी डॉक्टर्स में वो लोग अव्वल आए हैं, वो लोग चैंपियन बने हैं, और रनर्स अप जो है ट्रिम्स के जो टीम थे। तो उसी के साथ और भी कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किए हैं हमने 18 जून को। उसके बाद फिर क्योंकि हम लोगों का जो डॉक्टर फ्रेटिनिटी जो है ज़्यादातर जो है वर्किंग ये होता है, तो हम लोगों का सिर्फ एक ही दिन रहता है, इवन सैटरडे हम लोग का छुट्टी नहीं रहता है, तो हमारा संडे ही रहता है जिसमें कि हम लोग टाइम निकाल के हम लोग कर पाते। इसलिए 18 जून जो है संडे था, तो फिर उसके बाद अगला जो सैटरडे जो 25 जून, तो उस दिन को हमने मॉर्निंग को हमने हमारे जो आईएमए हाउस है, आईएमए हाउस के जो आगे में जो आप देखे होंगे कि एक डिवाइडर रोड का डिवाइडर है हाईवे पे, तो वो जो डिवाइडर है उसका जो 675 मीटर्स का स्ट्रेच जो है हम लोगों ने लास्ट ईयर से हम लोगों ने उसका अडॉप्ट किया है आईएमए ने, तो उसी जगह पे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो हम लोग प्लांटेशन किए थे, तो इस बार हम लोग उसी दिन को 25 जून को हम लोगों ने उस पर रीप्लांटेशन भी किया, और पिछले साल का जो था उसको भी हम लोग साफ सफाई जो है इस तरह से हम लोग प्लांटेशन ड्राइव प्लस क्लीननेस ड्राइव जो है वो हम लोगों ने किया। तो ये था उस दिन सुबह को। उसके बाद में आके फिर हम लोग फ्रेशन अप होके फिर हम लोग हेमा हॉस्पिटल में हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी फ्री हेल्थ कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो कि हेमा हॉस्पिटल में हुआ, तो उसमें सब स्पेशलिटीज़ के थे, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, प्लास्टिक सर्जन थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो आर एन एवरी, तो साथ साथ में तो और डेंटल के भी डॉक्टर्स थे। तो ये था मेनली हमारे जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका जो सैनिटरी वर्कर्स है उनका जो बेनिफिट के लिए हमने इसको ये किया था। सर, हर बार जब डॉक्टर्स डे में हम इवेंट
देखते हैं, आप लोग विटनेस करते हैं, तो हमेशा ये बात छेड़ा जाता है कि डॉक्टर के ऊपर जो वायलेंस होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थ्रू लाइक कई पेशेंट्स के या अपने लोगों की तरफ से, तो जिसको लेकर आप लोगों की तरफ से लास्ट ईयर एक एक्ट भी जो दिया गया था, तो उससे कितना लाभ हुआ है या पहले से वायलेंस कम हुआ है या कैसे है? तो आप देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ को मैं ये है कि हमारा जो अभी जो जो प्रोटेक्शन जो एक्ट आया है, हमारा जो मेडिकल पर्सनल्स एंड जो प्रॉपर्टी जो जो आप उसको ये करते हानि पहुंचाते हैं, तो उसका जो है उसके प्रोटेक्शन पे एक एक्ट जो एलरेडी उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट जो है उसको जारी कर रखे ये रखा है। तो इससे पहले एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है जो अवेयरनेस जो है जो एक्चुअली हमारे पब्लिक के अंदर में होना चाहिए। कोई भी आप हॉस्पिटल पे कुछ भी कोई एक मैंने अनफॉर्चुनेट, कभी चाह के तो कभी नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट्स होता है, डेथ होता है या जो भी होता है, तो उसमें जो है हम लोग पब्लिक जो है मैंने भड़क जाते हैं। तो मैं ये फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उस चीज़ जो होता है कि कोशिश देखिए, डॉक्टर जो होता है हमेशा कोशिश करता है, अपने लाख कोशिश करता है, हर तरह से कोशिश करता है कि किस तरह से बचे। तो कोई भी चीज़ में जो है उसमें पब्लिक जो है आके तोड़फोड़ करे हॉस्पिटल पे, या जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हो गए या जो भी स्टाफ हो गए उस पर हाथ मतलब कि हाथ उठाए, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी निंदा करने लायक है। तो हम लोग बिल्कुल, तो इसीलिए इस ऐसे माहौल में अगर कोई डॉक्टर काम या डॉक्टर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो काम नहीं कर पाते अच्छी तरह से, तो इसीलिए ये एक्ट जो है लास्ट ईयर हम लोगों का गवर्नमेंट ने इसको जारी किया है। तो इसके एक्ट के अंदर में हुआ है एक दो केसेस हम लोगों को मिला भी है, उसका फ़ायदा है, एक करके मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हुआ है, हम लोगों ने उसका फुल यूटिलाइज भी हुआ है। तो ये चीज़ जो है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो हमारे पेशेंट्स के खिलाफ हम कोई एक्ट या कोई पुलिस कार्रवाई कराए, हम कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन कभी कभार जो है एक सेफ जो वर्किंग प्लेस और एक जो अच्छा जो कंजीनियल जो वर्किंग प्लेस का जो एटमॉस्फेयर जो है वो उसको अगर हम लोग अगर चाहते हैं तो ये एक्ट जो है हम लोगों को यही हमको प्रोटेक्ट करता है। लास्टली सर, आज स्पीच में आप लोग ने एक मेमोरेंडम दिया कि डीसीएम सर को कि आप लोगों जो न्यू ऑफिस बिल्डिंग बनने चाहिए, उसको लेकर काफ़ी मदद में आप लोगों प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके, कब तक मदद हमें प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं हो रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है हम लोगों का, हमारे जो ऑनरेबल सीएम जो है पेमा खांडू सर और हमारे जो डिप्टी सीएम सर चौनामेन सर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो रविवंग जी है, उनके नेतृत्व में और उनके साथ में हम लोग हमेशा हम लोगों को सपोर्ट ही मिला है। और स्पेशली जो हमारा आईएमए हाउस जो है, बेसिकली आईएमए हाउस जो है एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पर हम लोग डॉक्टर्स जो है कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई सीएमई जो कोई एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जैसे कि कोई सेमिनार हो गया उस तरह का जो है वो मीटिंग्स कर सकते हैं, या कोई बाहर के जो लोग बाहर के डॉक्टर्स जो है आउट ऑफ द स्टेट हो या आउट ऑफ लाइक आईसीआर लाइक डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स आएंगे तो रहने के जगह भी वहाँ पे होगा, तो उस तरह का है। तो वो एक सब हमारा जो है एक ऑफिस भी है और हर किसी का जो है एक जो एक हैपनिंग जो हम लोगों का डॉक्टर्स के बीच में है, तो उस तरह का एक हाउस है हमारा। तो उसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने पहले ही हमें 3 करोड़ हम लोगों के लिए सेंक्शन कर चुका है। तो अभी हमारा जो अभी ऑलमोस्ट बिल्डिंग खड़ा हो गया है, उसका आईएमए गेट बन चुका है, उसका वॉल बन चुका है, उसके बाद में उसका अभी 2nd फ्लोर तक अभी हम लोगों ने उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है अभी खड़ा हो चुका है, तो फिनिशिंग अभी बाकी है और बहुत सारे काम बाकी है। तो उसके लिए हमको अनदर जो 3 करोड़ जो है जो हमारे डिप्टी सीएम सर ने जो आईएमए जो हाउस का जो फाउंडेशन स्टोन जो हमने उन्होंने ले किया था उस समय उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो आज का जो मेमोरेंडम वो जस्ट एक उनको एक रिमाइंडर ऐसा था।